मंसूरी कॉलोनी में फर्जी डॉक्टर के चलते गई नवजात बच्चे की जान। पीड़ित पिता ने डॉक्टर के खिलाफ जयंतीपुर चौकी में दी तहरीर। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के मंसूरी कॉलोनी निवासी नदीम ने बताया कि उसकी पत्नी फूलबानो प्रेग्नेंट थी। अपनी पत्नी को लेकर जयंतीपुर के पास ही डॉक्टर सलमा के पास लेकर चला गया, जहां डॉक्टर सलमा ने चेकअप करने के बाद कहा कि इसको यहीं भर्ती कर दो, मैं इसकी नॉर्मल डिलीवरी यहीं कर दूंगी। इसके बाद में पैसों का इंतजाम करने के लिए चला गया और मैंने अपनी पत्नी को डॉक्टर सलमा के वहां ही भर्ती करा दिया, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी अभी तक डिलीवरी नहीं हो पाई। मेरे पूछने पर भी डॉक्टर सलमा ने कहा कि सब कुछ ठीक है, मगर जब डॉक्टर सलमा बार बार कोशिश करने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाई और पूरा मामला सीरियस हो गया, तो वह गांधीनगर के एक निजी अस्पताल में मेरी बीवी को लेकर चली गई, जहां ऑपरेशन के बाद मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। नदीम ने बताया कि ऑपरेशन से पहले उसकी पत्नी और बच्चे दोनों स्वस्थ थे, लेकिन डॉक्टर सलमा ने चंद पैसों की खातिर उसके बच्चे को पेट में ही मार दिया। पीड़ित नदीम ने अब जयंतीपुर चौकी इंचार्ज को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। आपकी बीवी का क्या नाम है? फूलबानो। क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ, बताया? बच्चे के साथ हमारी बीवी प्रेग्नेंट थी, रात हमें एक नर्स लेकर आई थी यहाँ जयंतीपुर सलमा डॉक्टर के पास। अच्छा। हमने उस डॉक्टर को बताया कि हमारी बीवी का पहले ऑपरेशन हुआ है, तो वो कह रही कोई नहीं, मैंने तो ऑपरेशन वालियों के भी 7-7 महीने के बच्चे पैदा कर दिए, और घबराओ मत तुम, मैं नॉर्मल बच्चा पैदा कर दूँगी, इसी को कह रही थी। बोलते कौन बोली है? ये बोली है सलमा डॉक्टर। अच्छा। और मुझसे कह दिया उन्होंने कि तुम पैसे का इंतजाम करो और कुछ पैसे जमा करो। हमने 3,000 रुपये जमा कर दिए और 800 रुपये वो क्या जाँच 5 रुपये दे दिए हमने। मैं पूछता था उनसे, मैंने कहा कैसे तबीयत उसकी, मुझसे कहती थी कि सही है, मुझे दिलासे देती रही, मुझे आश्रय में रखती रही, मेरी बीवी की कहानी ख़राब कर दी, बच्चा पेट में मार दिया उन्होंने, तो मजाक ऑपरेशन करवा दिया उन्होंने। ऑपरेशन का करा दिया? अपनी सेटिंग करा दी। कहाँ पर, कौन से अस्पताल में करा दिया? अस्पताल का तो मुझे नाम ध्यान पे ना था। अच्छा, तो अब यहाँ जो चौकी पर आया हूँ जयंतीपुर में, क्या करने आए थे, तहरीर दी क्या? हाँ, तहरीर देने आया था मैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं उनके लिए सख्त से सख्त।